उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हाँ हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हम आज करेंगे इस वीडियो में। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12 दे रहा है वो इस क्वेश्चन में हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 64 दे रहा है, एंड कह रहा है फाइंड, ये करना है आपने एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, वो हमें फाइंड करने को कह रहा है। तो हमारे पास गिवन में जो है वही चीज़ें जो उसने डेटा में दिया हुआ था वो यहाँ पे हमने दोबारा लिख दिया, और जिसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12 दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 64, और एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स को हमें क्या करना है, फाइंड करने को कह रहा है। तो अभी हमने जस्ट क्या करना है, इन्हें फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे आपने फार्मूला लिखना है, वो है जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ये हमें क्या कह रहा है कि जी उसने एक फार्मूला, हमारे पास फार्मूला है, हमने जस्ट फार्मूला लिख दिया। अब हमने सिंपल क्या करना है, इस फार्मूले में जो दो वैल्यू उसने दी हुई हैं वो इस वैल्यू में फार्मूले में वो दो वैल्यू प्लेस कर देंगे, लगा देंगे, और बाकी जो तीसरी चीज़ बचेगी वही हमारे पास क्या है, फाइंडिंग में हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 12। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12 है, हमने 12 लिख दिया। अब यहाँ पे स्केयर 12 जो है वो स्केयर की फॉर्म में नहीं है, सिर्फ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है, यहाँ पे क्या है, स्केयर है, तो हमें यहाँ पे स्केयर इस पर लाजमी डालना है। क्यों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 12 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्केयर की वैल्यू 12 नहीं है, इसलिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड वैल्यू लिखनी है और उसके ऊपर स्केयर आपने इसी तरह लिख देना है। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर उसने हमें कितना दिया हुआ है, 64, हमने क्या लिख दिया, 64 प्लस, देखो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या कर दिया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर की वैल्यू 64 लिख दी। अब देखो प्लस 2, इसी तरह हमारे पास ये वाला आ गया, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इस पूरे की जगह हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये हमने फाइंड करना है, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब हमारे पास 12 का स्केयर, 12 का स्केयर का मतलब है कि 12 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 144 आता है, यहाँ पे हमारे पास 64 आ गया, प्लस 2 एक्स वाई वाई जेड एंड देन जेड एक्स हमारे पास आ गया। अब ये 64 प्लस हो रहा है, जब इसने इस तरफ आना है तो इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके साथ साइन क्या है, प्लस का। अब इसने जब इस तरफ आना है तो क्या हो जाना है, 144 प्लस 64 इधर आगे क्या हो गया है, -64 हो गया, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बच गया, 2 एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स आ गया। अब हमारे पास क्या है, 64 से हमने क्या करना है, 144 से 64 आपने क्या कर लेने हैं, सब ट्रैक कर लेने हैं। 4 इसी तरह 64 4 में से 4 क्या हुआ, गए 0, और 14 में से 8 गए 6 गए 8, यानी 4 में से हम 4 में से हम 6 नहीं निकाल सकते, तो 40 इधर से कैरी लेंगे, यानी 14 14 पूरे में से 6 निकालेंगे 8, तो हमारे पास क्या आ गया, 80 इज इक्वल टू 2 एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स आ गया। अब हमारे पास क्या है, हमें क्या चाहिए, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो इधर क्या है, 2 फालतू है, तो अगर 2 हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो दोनों तरफ 2 क्या कर दो, डिवाइड कर दो, दोनों तरफ 2 डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 40। तो अब आपके पास जो वैल्यू है, 40 इज इक्वल टू एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया जो आपने फाइंड करना था। उम्मीद करता हूँ आपके को जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 4.2 का वो समझ आया होगा। आपने क्या करना है कि इसको वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है, तालीम और तरबियत की दुनिया जो है मेरा चैनल है उसको आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।